अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, C21 न्यूज़ के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास। शहरियों का भारत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी। साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम राशिद लतीफ़ की ज़ेरे निगरानी कराची किंग्स टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज। हमें भारत आजमाना चाहता है तो सोच ले कि वो मुखी खाएगा, डॉक्टर फारूक सत्तार। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड सेकंड वर्डी बलोचिस्तान कोस्टल हाईवे साइकिल रैली का इनेकाद। और अब खबरों की तफसील। मकबूजा कश्मीर में जुल्म बर्बरियत और बढ़ते हुए भारतीय जंगी जुनून के खिलाफ वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की जेर सदारत पार्लिमानी जमातों का सरबराह इजलास वजीर आजम सेक्रेटरीट में शुरू हो गया है। इजलास में पार्लिमानी जमातों की क्यादत को सरहदों की सूरत हाल और बिलखसूस लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाक भारत कशीदगी से मुतालिक उमूर से आगाह किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और खुर्शीद शाह समेत दीगर रहनुमा शरीक हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी PTI के वफद की क्यादत कर रहे हैं। पार्लिमानी कॉन्फ्रेंस में MQM पाकिस्तान के डॉक्टर फारूक सत्तार, ANP के हाजी गुलाम अहमद बिलोर, वतन पार्टी के आफ्ताब शेरपाव, महमूद अचकजई और प्रोफेसर साजिद मीर समेत दीगर सियासी जमातों के कायदीन शरीक हैं। इजलास में वजीर आजम मसला कश्मीर पर किए जाने वाले हालिया इकदाम से शुरका को आगाह करेंगे और अपोजिशन जमातों की क्यादत से मशावरत भी करेंगे। गुजरावाला में भारत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें भारतीय हुकूमत और भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी की गई और भारतीय वजीर आजम का पुतला भी नजर आतिश किया गया। नोमानिया रोड पर शहरियों ने भारतीय जारियत के खिलाफ एहतजाजी जुलूस निकाला, जिसमें नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरियों का कहना था कि भारत को जंग महंगी पड़ेगी। पाकिस्तानी कौम अपने मुल्क का दिफा करना बखूबी जानती है और अगर दुश्मन मुल्क ने जारियत की कोशिश की तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। शहरियों ने कहा कि पाक फौज ने जिस तरह दुश्मन की जारियत के मुकाबले में उसको दंदान शिकन जवाब दिया, कौम को अपनी पाक फौज पर फख्र है। पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी और मकबूल टीम कराची किंग्स के टैलेंट हंट प्रोग्राम खिलाड़ी की खोज का आगाज हो गया है। नेशनल स्टेडियम में नौजवान क्रिकेटर्स का जोश उरूज पर है। सुबह सूरज निकलते ही नौजवान क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद ने नेशनल स्टेडियम में पड़ाव डाल दिया और ग्राउंड में रजिस्ट्रेशन कराई। व्हाइट किट में मलबूस नौजवान क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद टैलेंट दिखाने के लिए बेताब नजर आई। ट्रायल से कबल खिलाड़ियों ने खुद को वार्म अप किया। 16 से 23 साल की उम्र के नौजवान खिलाड़ी आज से शुरू होने वाले टैलेंट हंट प्रोग्राम में सिलेक्टर्स को अपना हुनर दिखाएंगे। ट्रायल्स में बैट्समैन, बॉलर्स और बेहतरीन ऑलराउंडर्स को मुंतखब किया जाएगा। साबिक कप्तान राशिद लतीफ, जलालुद्दीन, इकबाल कासिम और सलीम यूसुफ ट्रायल्स में बेहतरीन खिलाड़ी को चुनेंगे, जो आइंदा साल होने वाले PSL के दूसरे एडिशन में हिस्सा लेने का मौका पाएंगे। इस्लामाबाद में पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद फारूक सत्तार का मीडिया से बातचीत करते हुए कहना है कि कश्मीर के मामले पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं और APC का पाकिस्तान से बाहर वाज़े पैगाम जाना चाहिए कि हमारा इतिहाद गैर मुतजलजल है, जबकि भारत हमें आजमाना चाहता है तो मुंह की खाएगा। हमने भारतीय जारियत के खिलाफ कौमी असम्बली और सैनेट इजलास में करारदादे पेश की और हमारे लिए खुशी का मौका है कि MQM पाकिस्तान की तजवीज पर APC बुलाई गई, जबकि वजीर आजम ने इसहाक डार से कहा कि मुत्तहदा का वक्त आने से खुशी हुई। फारूक सत्तार ने नेशनल एक्शन प्लान पर उसकी रूह के मुताबिक अमल दरामद कराने पर भी जोर दिया, जबकि अमन को मजबूत बनाना और इक्तिसादी इस्तेहकाम को यकीनी बनाना भी इंतहाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी दाखिली सलामती के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड की तरफ से दूसरी ट्वर्डी बलोचिस्तान कोस्टल हाईवे साइकिल रैली का इनेकाद किया गया। रैली 29 सितंबर को उथल कोस्टल हाईवे से शुरू होकर 1 अक्टूबर को गवादर में अख्तिताम पजीर हुई। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ब्रिगेडियर अतीकुर रहमान थे। तकरीब का बाज़ाब्ता आगाज तिलावत कुरान पाक से हुआ। मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ब्रिगेडियर अतीकुर रहमान ने झंडा लहराकर साइकिल रैली 2016 का बाकायदा आगाज किया। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड सेकेंड ट्वर्डी बलोचिस्तान कोस्टल हाईवे साइकिल रैली में कुल 26 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया, जिनका ताल्लुक सिंध और बलोचिस्तान से था। साइकिल रेस 3 मरहलों पर मुश्तमिल थी। तकरीब के मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ब्रिगेडियर अतीकुर रहमान ने इस साइकिल रेस की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि बगैर किसी खौफ के और बगैर किसी परेशानी के और अपनी मर्जी से इन्होंने इसमें हिस्सा लिया। अच्छा,
पाकिस्तान कोस्ट गार्ड सेकंड ट्वर्डी बलोचिस्तान कोस्टल हाईवे साइकिल रैली में कराची से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद इरफान ने पहली पोजीशन हासिल की, जिनको 3 लाख जबकि दूसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 2 लाख और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले को 1 लाख रुपए इनाम दिया गया। इसके अलावा रैली में तमाम शुरका को 15,000 रुपए दिए गए। ये थी अब तक की खबरें। C21 न्यूज़ में मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट C21 online.tv। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।